हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड पुलिस चार 2015 का मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उससे रिलेटेड कल के डेट में एक बहस था सुप्रीम कोर्ट में, जो काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी छात्रों की ज़िंदगी में। लेकिन वो हुआ क्या, 1 महीना का डिले कर दिया गया, और मैं समझता हूँ कि वो जायज़ भी था, डिले करना भी ज़रूरी था, क्योंकि सर्विस मैटर में कुछ त्रुटियाँ छात्रों के वकीलों के द्वारा भी थी, और हमारे जाने माने सरकारी वकील, उनके द्वारा तो त्रुटि ऐसा त्रुटि था जिनका रीज़न उन्होंने जो बताया ये हास्यास्पद था। वो उन्होंने यही कहा कि ऑनलाइन है इसलिए त्रुटि हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन है इसलिए त्रुटि हो गया, तो क्या अब सब ऑफलाइन करने पे जुझारू हैं? खैर छोड़िए उन सभी बातों को, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा देखिएगा, सरकारी वकील जो हैं यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है। इनके चेहरे पे साफ दिख रहा है कि हारने वाले हैं। आप थोड़ा गौर करके वीडियो देखिएगा, इनमें वो चेहरा में जो होता है रौनक, वो गायब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और छात्रों के वकील देखिएगा यहाँ पे, ये हो गए बाला सुब्रमण्यम सर, राजीव बंदा सर हो गए, रत्नाकर सर हो गए, मनोज टंडन सर, इस केस की आधारशिला रखने वाले हमारे वकील। तो इन सभी के चेहरा का तेजस देखिए, और हमारे सरकारी वकील के तेजस देखिए यहाँ चेहरे की, आपको साफ पता चल जाएगा कि केस किस ओर जा रही है, किसके पक्ष में जा रही है। बाकी इस बहस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं राजीव नंदन सर, इनका जो है नंदा सर, इनका जो है पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। इनका डायरेक्ट कहना है कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। इन्होंने सीधा क्वेश्चन कर दिया है जज से कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट, और जज ने भी एक चीज़ यहाँ कहा होगा जिसको मैंने यहाँ लिख के पहले से रखा है, अल्टीमेटली द पॉइंट हैज़ टू बी डिसाइडेड। इसके बाद इन्होंने यही कहा, मतलब अंततः इसी पॉइंट को डिसाइड करना है कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। और इसका आंसर आप सभी कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। मैं आशा करता हूँ सबका यही आंसर होगा कि हॉरिजेंटल को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि उसी वैकेंसी में फुलफिल करना होता है, और उसी वैकेंसी में किससे फुलफिल करना होता है, तो एक रूल है इसी में कि अगर फीमेल सीट खाली रह जाता है और मेल कैंडिडेट अवेलेबल हो, तो मेल कैंडिडेट से उस सीट को भरा जाएगा। तो राजीव नंदा सर का यहाँ तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि इस केस का सबसे मेन पॉइंट इन्होंने रख दिया है। बाकी 1120 सीट की बात जो है वो रत्नाकर दास सर ने किया, और इस पे जो है वो स्टे को लेके मुझे यहाँ लग रहा था कि ये सर ज़्यादा जोर यहाँ पे दे रहे, लेकिन राजीव नंदा सर का साफ तौर पर यही कहना था कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। बस इसी पे जो है वो कोर्ट का अंतिम बहस यहीं पे रुक गया, और निर्णायक भूमिका जो है 12 मार्च को इसी पे आने वाला है कि हॉरिजेंटल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। इसमें दो तरह की समस्याएं अब आने वाली है, वो ये समस्या रहेगी कि सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है विज्ञापन को देखा जाए, लेकिन हाईकोर्ट की जजमेंट के अनुसार मुझे नहीं लग रहा है कि विज्ञापन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जो है निर्णय वो उनके समक्ष पहले से ही होगा, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है संशोधन की स्थिति यहाँ पे पैदा होगी, और हॉरिजॉन्टल वाले सीट जो हैं जिसकी मांग छात्रों के द्वारा रखी जा रही है कि महिला सीट को दिया जाए, उस पर जो है लगभग मोहर लगने की संभावना 12 मार्च को यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी वकील हैं सब में सामंजस्य की स्थिति बहुत अच्छा था, और ये चारों वकील 12 तारीख के डेट में रखना, जिस तरह से मैं देख रहा था कि ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहा है मैसेजेस वगैरह, रखना ज़रूरी है, तो मुझे भी ये लग रहा है कि इन चारों वकील जो है इनको 12 तारीख के डेट में रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इनका बहस रहा, और राजीव नंदा सर का तो ज़ोरदार तरीके से बहस रहा, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन रह गया, जजेस से क्वेश्चन करना उतना आसान नहीं होता है, सिर्फ बताना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया कि हॉरिजॉन्टल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट। बस उसके बाद देखिए इसके कैसे संज्ञान भी लिया गया, यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली द पॉइंट हैज़ बिन डिसाइडेड, मतलब इसी पॉइंट को सिर्फ डिसाइड करना है कि कैरी फॉरवर्ड होता है नहीं। और इसका आंसर मैंने आपसे पूछा तो आपका आंसर यही होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, और अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो 2429 सीट पर जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बाकी जो स्थितियाँ और भी पैदा होगी उस पर जो है वो आपको वीडियो मिलता रहेगा, आगे की क्या स्थिति है इस पर जो है विचार विमर्श ग्रुप में किया जाएगा, और जो भी निर्णय छात्रों के द्वारा, छात्र लीडरों के द्वारा, पिटिशनों के द्वारा ले लिया जाएगा उस पर जो है अमल करना आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि ये जो है केस अब अंतिम समय पर आ पहुँचा है, और इसके बाद जो है आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। 12 तारीख जो है वो निर्णायक भूमिका होने वाली है, और जिस तरह से वकीलों से भी चर्चा में पता चला कि 12 तारीख जो है वो जब तक इस
केसेस को फाइनल नहीं किया जाता है तब तक बहस जो है चलेगी। ऐसे जो है 5 मिनट 10 मिनट ही किसी केस को सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, लेकिन 12 तारीख के डेट में सबसे पहला केस जो है आपका लगेगा और जब तक इस केस को फाइनलाइज़ नहीं किया जाता है तब तक जो है इस केस में बहस चलती रहेगी। ठीक है, तो जो भी निर्णय छात्रों के द्वारा लिया जाता है उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है, चाहे वो पैसों की फंडिंग हो या वकीलों से किसी तरह से भी कुछ बात रखने की बात हो तो वहाँ पे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ऐसा आशा में रखता हूँ, क्योंकि अब जो ये मोड़ है वो निर्णायक मोड़ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 12 तारीख जो है वो अंतिम बहस मेरे हिसाब से यहाँ पे होने वाला है। कुछ हो सकता है कि जो है रिजल्ट को रिजर्वेशन रिजर्व रखा जाए और 1-2 महीने के बाद इस पर जो है वो क्या बोलते हैं उसको रिजल्ट, हाँ रिजल्ट दे, तो उसके लिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन बहस जो है वो 12 तारीख के डेट में लगभग फाइनलाइज़ हो जानी है। बाकी राजीव नंदा सर का फिर से एक बार मैं पर्सनली तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने जो छात्रों की मेन मांग था उस पर जो है पॉइंट नोटेड किया और जिस तरह से इस स्थिति पे बहस किया उसके लिए उनको सैल्यूट है, और संभवतः इसी चीज़ पे जो है वो निर्णय आने वाला भी है और जज भी इसी पे अमल करेंगे। इस चैनल पर अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, कोई अन्य अपडेट अगर आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा जो मैंने आपसे किया कि हॉरिजॉन्टल कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट, तो आप लोग यस या नो में जो है अपना आंसर ज़रूर देंगे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। Yes, my lord. And office report also says that counter has not been filed in all these matters. Only in one matter they have filed, and my lord, day before yesterday they filed. They are playing with my life. Engagement letter only for one matter, your lordship. What is this one matter? You've been served in all these matters. My lord, they are carrying forward the horizontal reservations. For reserve, there are vacant, unfulfilled seats. 1120. Yes, my lord, this has to be heard. Submit it to your lordship. In the meantime. We'll hear out the matter. Yes, my lord. My lord, 1120, backlog posts are there. They are going to hold the exam. This matter has to be heard on the My lord, my grants leave because this will require a detailed consideration whether horizontal can be heard. Your lordship, my grant leave. 12th March 2020.